अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हम सब, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, आज मैं आपके साथ एक लेके आई हूँ बहुत ही खूबसूरत अरेबिक मेकअप लुक। तो मेरी पिछली वीडियो पे आपने मुझे बहुत प्यार दिखाया, इस पे भी ज़रूर दिखाइएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छी लगेगी ये वाली लुक पिछली लुक की तरह। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है क्रायलोन का केक लाइनर, उसके साथ मैंने इसकी आईब्रोज़ को शेप दे दी है, क्योंकि जो अरेबिक होती ना औरतें, वो आईब्रोज़ को बहुत डार्क रखती हैं, ठीक है, मोटी मोटी और डार्क सी, ठीक है। इसलिए मैंने इसकी आईब्रोज़ भी उन्हीं की तरह बनाई। और यहाँ पर मैंने यूज़ किया है ग्लैमरस फेस की आई शेडो पैलेट। तो यहाँ पर मैंने उसमें से ब्लैक कलर का शेड लिया, ठीक है। सो सॉरी, मेरा गला ख़राब है तो इस वजह से मैं बीच में चुप भी हो जाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का शेड लिया, उसको मैंने पूरी लिड पे अप्लाई कर लिया, ठीक है। छोटा सा ब्रश लिया है मैंने, उसके साथ में इसको पूरी लिड पे अच्छे से लगा लिया है। उनकी भी जो आईज़ मेकअप होते हैं ना, बहुत हैवी होता है, डार्क होता है, और मतलब फुल भरा हुआ होता है हमारा, मतलब जो होता है ना पाकिस्तान में, बिल्कुल लाइट सा करते हैं, आउटर कॉर्नर डार्क करते हैं, इनर और लिड पे बिल्कुल नॉर्मल सा, ये जो होते हैं ना बहुत डार्क से मेकअप करते हैं, और इवन कि यहाँ तो आईब्रो से भी बाहर तक ले जाते हैं, कोई लोग होते हैं इस तरह करते हैं, कोई लोग बहुत बाहर की तरफ भी ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इतना बाहर की तरफ नहीं ले की, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने उसको ना अच्छे से पूरी लिड पर लगा लिया था, और ब्राउन शेड लिया था, उसके साथ इसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर दिया था। दूर से आपको ऐसे लग रहा हो कि ये ब्लेंड नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको करीब करके दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया था। ऊपर से यहाँ पे मैंने ओपेरा का ना सिल्वर कलर का आई शेडो है, ठीक है, इसको मैंने ब्रश के साथ लिड पे इस तरह से अप्लाई कर लिया था, ठीक है। और ये भी बहुत बहुत ज़बरदस्त है, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया था, और ये आप लोग इसकी को है वो देख सकते हो, पिगमेंट कितनी ज़बरदस्त है, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसी पैलेट में से सिल्वर सा शेड लेके आप इस तरह से लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इनर कॉर्नर भी हाईलाइट कर लिया था सिल्वर सा शेड लेके इसी पैलेट में से, ठीक है। और ये आप लोग देख सकते हैं, आउटर कॉर्नर मैंने इसके टिश्यू की हेल्प के साथ ना अच्छे से नीट कर लिए थे, ठीक है। अगर आपके ख़राब हो जाए तो आप कंसीलर के साथ साफ़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं कंसीलर भी यूज़ कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि ज़ाया करने वाली बात है ना, क्योंकि तो सिलिकॉन की, तो इसलिए मैंने टिश्यू के साथ इसको साफ़ कर लिया था। और यहाँ पर जो इसकी जो है ना अपर लैश लाइन, उसके ऊपर मैं ब्लैक कलर का लाइनर लगा रही हूँ, ठीक है। इस तरह से मैंने दोनों लाइन को ड्रॉ कर लिया था, और आउटर कॉर्नर पे मैं ना जो मैंने लाइन से क्रिएट की है ना, उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करूँगी, फिर आउटर कॉर्नर से इसको इस तरह से अटैच कर दूँगी। मोटा लगाना और बारीक लगाना वो तो आपकी अपनी ना चॉइस है, आप किसी तरह से भी लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मोटा लाइनर लगाया था, और जो इसका विंग बनाया था ना, वो थोड़ा मोटा बनाया था, और यहाँ पे मैंने इसको विंग बना लिया, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और जो है ना अरेबिक लुक की सबसे मेन चीज़ पता क्या होता है, इनका इनर कॉर्नर। इनर कॉर्नर आपका अच्छा बना हो ना, यार मेकअप में चार चांद लग जाते हैं। तो जब भी आपने मेकअप इनर कॉर्नर बनाना है ना, बहुत आराम से बनाना है और प्यार से बनाना है, ठीक है। आपने अपनी ऊपर वाली वाटर लाइन से ना, सॉरी लैश लाइन से नीचे को लाइन ड्रा करनी है, और थोड़े से अंदर की तरफ इस तरह से करके लगानी। जब तक आपका इनर कॉर्नर अच्छा नहीं होगा ना, आपका मेकअप अच्छा नहीं लगता। यार मैंने काफ़ी देखी हैं जो इनर कॉर्नर बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा कर जाती हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, सारा ना मेकअप ख़राब हो जाता है। तो ज़्यादा कोशिश किया करो आप इनर कॉर्नर बहुत अच्छे से बनाया करो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पिंक कलर का शेड लिया था, इसको अपनी इसकी डमी की सॉरी लोअर लैश लाइन पर ना अप्लाई कर लिया था। अपने मेकअप करती हूँ ना मैं, तो अपनी अपनी मेरे मुँह से निकलता रहता है, तो यहाँ पर मैं डमी को भी अपना ही कह रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से अच्छे से ब्लेंड आउट कर लिया था। यहाँ पे मैंने एक एंगल ब्रश लिया था, उसके ऊपर ना थोड़ा सा ब्लैक कलर का शेड लिया था, ब्लैक एंड ब्राउन दोनों मिक्स करके, उसको मैं इस तरह से ना लैश लाइन के नीचे रख के ना थोड़ी सी लाइन दे दूँगी, क्योंकि इसकी तो लैशेज़ हैं नहीं, तो इसलिए मैंने इस तरह से एक लाइन दी। और उसके बाद इसको ना लोअर लैश लाइन पर मैंने फेक लैशेज़ बना रही, बिल्कुल हल्का हल्का सा ना करके। और यहाँ पर उसके बाद मैं यहाँ पर इसको लगा लूँगी लैशेज़, और लैशेज़ लगाने के बाद आप डिफरेंस देख सकते हो, कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे हो गया था मेरा आईज़ मेकअप कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे सोचा कि ना इसको कंटूरिंग भी कर दूँ। अब जब यहाँ इतना मेकअप कर लिया है, ब्लश भी लगा देते हैं। यहाँ पे मैं ग्लैमरस फेस की आई शेडो पैलेट में से लाइट पिंक सा शेड लिया, उसके साथ मैं इसको ब्लश अप्लाई करी हूँ, नाक को पिंक करी हूँ, इसकी चिन को पिंक कर दूँगी। इसको मैं अपना मुँह समझती हूँ, ठीक है, सीधी बात बोलूँ तो जैसे मैं अपने मुँह पर करती हूँ, मैं इसको भी वैसे ही रगड़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हाइलाइटर भी लिया था इसी पैलेट में से सिल्वर सा शेड, उसके साथ मैं इसको अच्छी, नहीं सॉरी, हाइलाइटर की पैलेट जो थी ना मेरी मैक की पैलेट है,
उसमें से मैंने लिया है पिंक कलर का हाइलाइटर और इसको मैं अच्छे से हाइलाइट कर दूंगी चिक्स को, नोज को, लिप्स के ऊपर, चिन के ऊपर, मतलब मैंने इसको डिबो दिया हाइलाइटर में, इसके मुंह पे बत्तियां लगा दी मैंने। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से ना हाइलाइटर लगा दिया था, और आप लोग देख सकते हो मेरा मोस्ट फेवरेट हाइलाइटर है, मैं बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला। आपके पास ये नहीं तो आप इस पैलेट में से भी शेड ले सकते हो, उसको अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी ब्लेंडिंग भी हुई है और कितना खूबसूरत लग रहा है यार इसका चमकता हुआ, चिकनी चमेली लग रही मेरी तो ये डमी। तो यहाँ पे मैंने इसको लिपस्टिक भी लगा दी थी थोड़ी सी डार्क सी, और जी उसके बाद हो गया था मेरा लुक कंप्लीट। ये आप लोग देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है, ठीक है? और मेरे साथ बने रहें मेरे चैनल पे। अगर आप न्यू आए तो जल्दी से मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब, बेल आइकन लाजमी प्रेस करनी, ठीक है? ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चले हम मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।